हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। देखते हैं जिनको याद करके आपका है बुरा हाल, उनका क्या है आपके बिना हाल। कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या होने वाली है, ये देखने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइज। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और सोचने की कोशिश करनी है उनके बारे में अच्छी मेमोरीज, जितनी भी आपकी यादें रही है वो सारी कुछ याद कीजिए। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, एंजल्स हमें बताइए थिंकिंग वेमेन वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वॉकिंग अवे, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस देख रही हूँ। कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हो आप किसी भी चीज़ को लेके, छोटी से छोटी बात आपके दिमाग से जाती नहीं है। और इन फैक्ट मैं देख रही हूँ जैसे कोई चीज़ हो जाती है जो आप चाहते नहीं थे, ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो गई या फिर आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ हो गया तो ना आप उसको बहुत जल्दी भुला नहीं पाते हो। चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, उस नुकसान की वजह से जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है कहीं ना कहीं उस पर भी फ़र्क पड़ ही जाता है। आपका मन बहुत जल्दी मानता नहीं है, अगर उससे आगे भी बढ़ जाओ फिर भी पीछे की चीज़ों को देख के ना आप बहुत परेशान हो रहे होते हो। और मैं देख रही हूँ इतना सब कुछ सक्सेस के बाद भी, इतने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी, आपकी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो रही है उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता रहता है, हमेशा लगता रहता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। और इसी चक्कर में आप हमेशा उदास रहते हो, मन आगे की ओर बढ़ता ही नहीं, मन मानता ही नहीं। सिर्फ ऐसा लगता है कि जो चीज़ पास्ट में हो गई ना वो आखिरकार हुई क्यों, उसको मैं कैसे चेंज करूं, वो हुई क्यों, वो मेरी इच्छा के विरुद्ध थी तो वो होनी भी नहीं चाहिए थी। ये सवाल बार 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 आपके मन में आता है। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग अभी कॉलेज गोइंग हो सकता है किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई में आपका मन इस वक्त नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और आप उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप पढ़ो, आप चाहते हो कि जिस भी फील्ड में हो आप अच्छा करो, लेकिन क्या करें, मन काबू में नहीं है, मन बहुत चंचल है, इधर उधर जा रहा है। हर रात को मुझे लगता है कि आप टाइम टेबल लिखते हो और बिल्कुल प्लानिंग करके सोते हो कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, पर फिर भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उसको नहीं कर पा रहे हो। सुबह जल्दी ना उठने के कारण या उठ ना पाने के कारण, आँख ना खुलने के कारण आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप अपने पर्सन की तरफ देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई, आखिरकार मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया जिसकी वजह से तुम मुझसे इतने खफा हो गए, इतने दूर चले गए। मेरी तरह कोई हो ना तो एफर्ट्स करे भी ना। तो ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए हो। कितनी बार समझाओगे, कितनी बार इस इंसान को बोलोगे पर ये इंसान आपके सामने जी हजूरी कर दे, पर ऐसा लगे कि इंसान को कोई फर्क ही ना पड़े क्योंकि उनके एक्शन में नहीं दिखता। हाँ ना तो सब बोल देंगे, वादे सब कर देंगे, पर उनके एक्शन में भी तो ये चीज़ दिखनी चाहिए। आपके पास करने के लिए इस वक्त बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर फिर भी आप रिलेशनशिप के रिजल्ट से खुश नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट से खुश नहीं हो, ठीक है। एक थी ये चीज़, लेकिन दूसरी चीज़ मैं देखूँ, मैं देख रही हूँ पहले से बहुत बेहतर कंडीशन में हो, ठीक है, पहले से बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। जो भी आपके बर्डन्स थे, जो भी आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें थी ना, वो दूर हो रही हैं। एकदम से मैं ये नहीं बोलूँगी आपके पास बहुत सारा धन आ गया है, पर पहले से बेटर है सिचुएशन। मैं देख रही हूँ अब आप इंडिपेंडेंट लग रहे हो,
अपने खर्चे खुद ही उठा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से खुद ही डील कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि जितना आपको चाहिए ना उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, खास करके इस वक्त उससे ज़्यादा ही है आपके पास। औरों की तुलना में मैं देखूँ, अगर आपके आसपास वाले लोग हैं ना, उनसे आप 5 गुना ज़्यादा आगे हो, पर आप ये बात किसी को बताते नहीं हो। अगर आप अर्न भी कर रहे हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, आप इस बात को बताते नहीं हो, आप अपने तरफ रखते हो। आपको लगता है शेयर करने से ना ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है, तो आप बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर हो। आपके मन में ये चीज़ आती होगी कि जितनी ही मैं अपनी लाइफ को प्राइवेट रखूँ कि मैं पीठ पीछे क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे सिर्फ मेरी ही एनर्जी रहेगी, मुझे ही उस पर काम करना है, बाकी कोई भी इंसान, कोई भी एनर्जी इसमें नहीं आनी चाहिए। आप तब तक इसको सीक्रेट रखना चाहते हो क्योंकि ये एक तरीके से आपकी पावर है, आपकी पावर है ये। दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर जो चल रहा है वो तो आप जानते हो, लेकिन आपके जो बाहर वाले लोग हैं वो आपसे जेलसी करते हैं, बहुत जेलसी करते हैं। ध्यान से देखा जाए तो वो ना हमेशा बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने परफेक्ट हो, चीज़ों को कितनी परफेक्टली कर रहे हो, और कैसे इतना खुश रह पाते हो, क्योंकि अंदर से कुछ भी चल रहा हो जब आप पीछे मुड़ के देखते हो उस रिलेशन की तरफ, पर बाहर से यू आर ग्लोइंग और वो चीज़ सबको दिख पा रही है, ठीक है। और जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाती है ना कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे से ये जलते हैं, या मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, तो आपका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है कि आप उन लोगों से दूर चले जाते हो, वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन विच डज नॉट सर्व यू एनी मोर। ये आपकी एनर्जी है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आप ऐसा है कि टेक मी एज आई एम और वॉच मी एज आई गो, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं करोगे, जो आप डिज़र्व करते हो, जितना सब कुछ आप झेल के आए हो वो आपके लिए एक लेसन की तरह है, और आपका दिमाग हमेशा अलर्ट रह रहा है आजकल, और ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है आप सिंपली चुप्पी साध के आप उनसे दूर चले जाते हो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को जानते हो, क्योंकि आप अपनी वर्थ को जानते हो, और आप इस बात को भी समझते हो कि ये चीज़ें बहुत टेम्प्ररी है, जो चीज़ फॉरएवर है वो हो आप, जो चीज़ फॉरएवर है वो है आपका खुद पर भरोसा, जो चीज़ फॉरएवर है एंजल्स और डिवाइन की गाइडिंग्स। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पेशेंस, केयरिंग कनेक्शंस, ओह ला ला, ओह माय गॉड, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक कार्ड और, यिन यांग, और कितनी खुशखबरी लूटेंगे गाइस। देखिए ये आपकी एनर्जी थी, अब आपके पर्सन की एनर्जी हमें बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। देखो जिस तरीके से आपने बहुत टाइम लगा के ना ये सब जीता है, ये चीज़ें कमाई है, एक तरीके से आप अपने सक्सेस के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, उसी तरीके से ना आपका पर्सन आपको जीतना चाहेगा, आपके दिल को जीतना चाहेगा, क्योंकि ये आपकी सोल को समझ गए हैं, ये जान गए हैं कि आप इनसे चाहते क्या हो, ये अच्छे से जान गए हैं कि आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में कि कोई लड़ाई ना हो, कोई भी बात हो वो बातचीत करके, आपस में बैठ के, आमने सामने एक दूसरे की सोच को समझ के, एक दूसरे पर भरोसा करके, और फिर साथ में हाथ थाम के चला जाए। ये पर्सन अब समझ रहे हैं आपकी बात को, अब इनको एहसास हो रहा है, अब इनको लग रहा है कि
जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये आपको बहुत दूर से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब आपके पास आया जा सकता है, क्योंकि ये भी नोटिस कर रहे हैं आपको बहुत दिनों से कि इन्होंने चाहे कितना कुछ भी बिगाड़ा हो, आपके अंदर बहुत धैर्य है। आप बहुत ही धैर्यपूर्वक उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत ही धैर्यपूर्वक चीज़ों को देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। आप इतनी बार उन चीज़ों को समझा चुके हो, इतनी बार उन चीज़ों को कर चुके हो कि आप चुपचाप से थम के बैठ गए हो कि बस मुझे अब इंतज़ार करना है। और आपकी जो इंतज़ार वाली चुप्पी है ना, ये जो इंतज़ार वाली एनर्जी है, इस पर्सन को समझ आ रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी चुप है, इनको तो कभी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत बार बोला होगा इनको कि यार तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। पर ये पर्सन आपको बार बार कार्ड्स के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारा सेक्रीफाइस देखा, मैंने तुम्हारा बलिदान देखा और मुझे खुद के किए पे अफसोस है। ये इंसान अपने पास्ट को लेके ही खुश नहीं है। आपके पेशेंस का जवाब ये अपने एक्शन से देने वाले हैं। अब वो टाइम आ गया है। ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए केयरिंग कनेक्शंस, ऐसा लगता है कि अब ना मिलन की घड़ी आ गई है। मिलन की घड़ी क्यों आ गई है, वो इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ध्यान से देखोगे, जैसे कि वहाँ था वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42 नंबर 43 दोनों सेम लेवल पे आ चुके हो। दोनों इतने ज़्यादा स्टेबल हो, और अगर अभी स्टेबल नहीं भी हो, फिर भी दोनों देखना आपस में जब काम करोगे ना, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों सेम फील्ड में हो सकते हो, और सेम फील्ड में आप दोनों की एनर्जी जब मिल जाएगी तो क्या कहने। आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आप इनको बहुत सपोर्ट करने वाले हो, और आप ऑलरेडी करते हो। तो मैं देख रही हूँ आपके पास जो भी प्रोटेक्शन है ना, कि लोग आपको कितनी भी बुरी नज़र से देखे, ये पर्सन आपको बचाएंगे। ये पर्सन आपको बात बात पे सावधान कराएंगे, बात बात पे बोलेंगे कि फूंक फूंक के कदम रखो, बात बात पे ये आपका साथ देंगे, और मुझे लगता है कि ये हमेशा आपको डायरेक्शन दिखाते रहेंगे। इनका हो सकता है मिजाज हो बहुत ही हंसी मजाकिया, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी, बहुत कूदा फांदी करने वाला, और आप बहुत ही शांत स्टेबल बहुत एलिगेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप चुपचाप रह के ऑब्जर्व करते हो सबको। पर ये पर्सन आपके साथ की वजह से, पर ये पर्सन आपके समझाए जाने की वजह से आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो ये पर्सन भी फाइनेंशियली स्टेबल है, दोनों की एनर्जी मिल जाएगी तो क्या कहने। दोनों की एनर्जी अगर साथ आ गई तो इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आप दोनों ही करियर में, आप दोनों ही रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यिन यांग वाली एनर्जी आ गई है। एक दूसरे को पूरा करोगे, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगे, एक दूसरे की कमियाँ नहीं ढूंढोगे, एक दूसरे का देखना आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं आपकी ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे, और उनसे तो आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा किसी भी चीज़ में। ये पर्सन एक गाइडिंग एनर्जी की तरह है, और ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है आपके वेट करने की वजह से। यिन यांग वाली एनर्जी ये बोलने की कोशिश करी, एक वाटर एलिमेंट है तो एक फायर एलिमेंट है या अर्थ एलिमेंट है, इसका मतलब ये है एक गुस्सा होगा तो दूसरा उस बात को समझेगा, यहाँ पे झड़प नहीं होगी पहले की तरह। और मुझे लगता है कि जो आपकी जो डिवाइन लव है वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस, पता चल गया है हमें कि ये पर्सन आपको किस हद तक चाहते हैं। ये पता चल गया है कि ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आगे तक जहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ये इंसान पूरी तरीके से कहते नहीं है साम धाम दंड भेद, हर कोशिश करने के लिए तैयार है, बस आपकी खुशी के लिए, बस आपकी केयर करने के लिए, एक तरीके से खुद को माफ़ करने के लिए या खुद के कर्मा को बदलने के लिए भी ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन सफ़र नहीं करना चाहते, जबकि ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी छोटी 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 बातों का ये ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। और जिस तरीके से ये आपके पीछे है ना, उस तरीके से हमेशा आपको आगे आके प्रोटेक्ट करते रहेंगे, छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे।
गाइस, ये जो सेपरेशन का समय है ना, वो बहुत दुविधा भरा होता है, बहुत दुविधा भरा होता है। और इष्ट में ऐसा लगता है बहुत डाउट आते हैं, मन में हमेशा असमंजस चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जिसे आप हर वक्त सोचते रहते हो इनके बारे में। वैसे ही जब ये टाइम ओवर हो जाता है, एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही होती है, जिसके बारे में शायद आप अभी नहीं जानते, पर धीरे 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 जब आप रहने लगोगे, तो आप इस टाइम को याद करके शुक्रिया अदा करोगे कि चलो आज उस टाइम की वजह से आज हम साथ में हैं। ये रीडिंग कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।